Hey friends, तो ये सेकंड पार्ट हमारा 3.3 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स दिया है -1, -6, -2, -1, -6, 3, 2, 9, -1, -1, 4 और बी दिया है 1, 2, 3 और ये इक्वल टू 3, 2, 0, -1, -1। तो प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो गाइस सॉल्यूशन देखते हैं बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इनको, पहले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की दोबारा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद दोस्तों बचेगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब नाउ राइट हैंड साइड बी इंटू ए को सर्च करेंगे, बी इंटू ए बी इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही 3/3 का और है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 3/3 ही मिलेगा इसकी मल्टीप्लाई के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 क्या हुआ, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज ट्रू फॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, वेरीफाई दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इफ, जब ए मैट्रिक्स दिया हो, ए बी दिया हो 2, 3, 1 और सी दिया हो 1, 3, 2, 1, 3, 0। तो सॉल्यूशन बाय LHS, पहले ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में, और ये पहले इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दोस्तों इसके बाद 2/2 का ऑर्डर आएगा, 2+6, 1+4 और 6, 3, 3, 2 ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने के बाद आ गया 8, 9, 5, 5, ये सिमिलर चलेगा। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये देख लो दोस्तों, जब पहले मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था आपकी 8 की 1 से 8, 8 की 15, 8 16, 5 5 और ये ऐड कर देंगे 8 की 24, 5, 0, 0 प्लस। इसी तरह से सॉल्व करने के बाद आ गया 24, 23, 24, 21, 23, 24, 27 आ गया। अब यूजिंग एल नाउ यूजिंग राइट हैंड साइड, तो ये हमारा राइट हैंड साइड ए इंटू बी सी, इसकी वैल्यू उतार लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद उनको ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1, 3, 2, 1। दोस्तों सिंपली आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, 5, 9, 5, 8 ये बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास 23, 24, 21, 23 और 24, 27 ये आ जाएगा। तो LHS RHS इट इज ट्रू फॉर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, बाकी का ध्यान थोड़ा नेक्स्ट यही प्रूव करना है, लेकिन जो मैट्रिक्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो इसी की तरह दोस्तों पहले LHS को सॉल्व करेंगे, LHS में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर देख लेंगे। यहाँ पर पहले ये है 3/2 का ऑर्डर है और ये है दोस्तों 2 रो और 4 कॉलम, तो 3/4 कौन है 3 रो 4 कॉलम में आप देख सकते हैं, ये हमारा 3/4 में आंसर निकला। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो इसको देख लेना दोबारा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नाउ यूजिंग RHS, RHS में वही ए बी सी वैल्यू पुट कर दीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए पहले और उनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर पहले वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवन दैट एक्स और वाई की, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स निकालना है एक्स वाई, तो इनको पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने गिवन ये है, फाइंड एक्स वाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3x x + -4y and x + 2x। और अब पहले से इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करते थे हम, वैसे यहाँ पर इक्वेट कर लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, और इनकी मदद से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 विद 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3x + 6y इज इक्वल टू 33। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 1 आप माइनस कर देंगे इनको, माइनस करने के बाद 10y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 3 वाई, y की वैल्यू इक्वेशन
सेकंड में पुट कर देंगे तो एक्स इक्वल जो है 5, सो एक्स इक्वल 5 एंड वाई इक्वल 3। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 एक्स इज इक्वल टू वेयर एक्स इज ए 2x2 मैट्रिक्स। तो x है वो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो लेट कर लीजिए गाइस, x को कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, 4 एलिमेंट दे दीजिए, 2x2 का ऑर्डर होना चाहिए, x y a b मान लिया हमने। अब इसकी x y a b की मल्टीप्लाई 5 1 4 1 से कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5x + 4ax + a, 5y + 4by + b = that। तो इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो 5x + 4y = 1 इक्वेशन 1 हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4x + 4 = 4 आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यूजिंग 1 एंड 2 इनको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -3। कट गया और ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इससे आ गया हमारे पास ए की वैल्यू 4। नाउ 5y + 4b = -2, वहाँ पर दोस्तों देख लेना आप पिछला -2 अगर नहीं समझ में आया तो, और y + b = 3 इक्वेट किया हमने। तो अब इस मल्टीप्लाई इसको इक्वल्टी कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इन माइनस कर देंगे, इससे कट जाएगा और y = आ जाएगा -40। अब दोस्तों y को पुट कर देंगे इसमें 4 में, और y की वैल्यू सेम b की वैल्यू निकाल देंगे, b की वैल्यू आ गई प्लस 70। तो x = xay p = -3 4 - 40 70, ये हो गया हमारा आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 3 - 1 - 4 2, फाइंड a मैट्रिक्स b सच दैट a b इज इक्वल टू i। i दोस्तों i क्या होता है, i होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ये वाले जो इसको विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, ये सभी 1 1 मान के चलते हैं और इनको 0। अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, इस तरह से शो करते हैं, ये बंद कर देना आप चाहे तो। तो लेट बी बी को मान लेते हैं एक्स ए वाई बी, तो ए बी नाउ ए बी इज इक्वल टू आई, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू कर देंगे, इज इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा और इसको उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद दोस्तों आ गया 3x - 4 = 1 एंड -x + 2 = 0। अब सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया दोस्तों -3 + 6a = 0, सेकंड इक्वेशन आ गया, अब इनको माइनस कर लेंगे 2 और 1 इक्वेशन को, माइनस करने के बाद 2a = 1, तो a = 1/2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में लगने पर -x + 2 * 1/2 = 0, -x = -1, तो x = 0, x = 0 आ गई 0। और नाउ दोस्तों 3y - 4b = 0, थर्ड इक्वेशन -y + 2b - 1 = 4, तो मल्टीप्लाई द फोर्थ इक्वेशन विद, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे आगे जा रही है। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास फोर्थ इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इनको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास 2b = 3b = 3/2 आ गया। अब b की वैल्यू फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन पुट कर देंगे, इससे y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो देयरफॉर b = xay = 1 b 1/2 2 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ एट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स x, सो इफ दैट x इनटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, दोस्तों लेट कर लेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों पहले देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई उन्हीं कॉलम्स में, मतलब उन्हीं मैट्रिक्स में होती है जहां पर मैट्रिक्स का
एक मैट्रिक्स के ये क्या बोलते हैं इसको कॉलम और रो, इस मैट्रिक्स की रो इक्वल हो, हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x को हम क्या मान लेंगे a d b c, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है तभी इसकी इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होगी, और जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो 2x3 का है, ये और ये ऑर्डर भी है जो है वो 2x3 का है इक्वल आएगा। तो गाइस सो यूज इट देयरफॉर दोस्तों, उनके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गई ये इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू -7 -8 -4 -9, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर लिया, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई -1 विद 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस कर दिया, b की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, d प्लस 4c इज इक्वल टू 2 थर्ड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विद 2 और थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर दीजिए, इससे आ गया 3c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई 0 एंड d इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 2 -2 0 ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। इस तरह जो वीडियो होती है खत्म, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जो इसी वक्त आपको नीचे मिल जाएगी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको एलिमेंट का सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा, सॉरी मजाक कर रहा था।